नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे पोएट्री ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, जिसे लिखा है एंड्रिया रिच ने। और ये जो पोएट्री है फ्लेमिंगो की बुक में है, क्लास 12 में इसको पढ़ाया जाता है। जो इंग्लिश मीडियम का बुक जो होता है उसमें पोएम के रूप में इसे दिया गया है। एक पोएट्री है जिसे हम देखेंगे। जो पोएट्री है उसमें ऑन जेनिफर्स के बारे में बताया गया है और उनके शेरों के बारे में बताया गया है। तो इसे लिखा है एंड्रिया रिच ने। एंड्रिया रिच जो थी बहुत ही मशहूर पोएट थी, यूएसए में थी, मैरीलैंड पे वो रहती थी और उनका जन्म वहीं पर हुआ था, बाल्टीमोर में। और उनको जाना जाता है अपने बहुत ही प्रसिद्ध कविताओं के लिए, जो कि उन्होंने महिलाओं से संबंधित लिखी हुई है। और महिलाओं के संबंधित उनके बहुत सारे काम थे, जिसके साथ साथ वो पोएट भी थी और थियरिस्ट भी थी। तो वो बहुत सारे कार्यकलाप किया करती थी, लोगों के जीवन से जो प्रेरणा मिलती थी, लोगों के जीवन से संबंधित जो बातें होती थी वो अपनी रचनाओं में लिखती थी। और उन्होंने बहुत सारे वॉल्यूम पब्लिश किए, इसके साथ साथ उन्होंने एसे भी लिखा हुआ था। तो वो जो एंड्रिया रिच थी, उनका जो मुख्य तौर पर चीज़ों पर जोर रहता था कि महिलाओं का जीवन जो है किस प्रकार से अलग अलग समय के कंडीशंस के हिसाब से प्रभावित होता है और किस प्रकार जीवन में परिवर्तन आता है, इन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा हुआ था। क्योंकि वो खुद एक महिला थी तो उनको महिलाओं के जीवन से संबंधित चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होती थी और उनका प्रभाव जो है उनकी रचनाओं में दिखाई देता था। और रचनाओं को वो इस प्रकार से लिखती थी कि वो किसी प्रकार से भी किसी को हर्ट करने वाला भी नहीं होता था, बल्कि आसान भाषाओं में अपनी बातें समझा देती थी और लोगों को उन्हें समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती थी। जो ये पोएम है जो इसमें दिया गया था ऑन जेनिफर्स टाइगर, वो भी इसी प्रकार का है, जिसमें उन्होंने बहुत ही रहस्यात्मक तरीके से वर्णन किया हुआ है। चूँकि ये कविता बहुत छोटी सी है, जो पोएट्री है छोटी है, लेकिन अपने आप में बहुत ज़्यादा अर्थ को संजोई हुई है। और इसका ताल्लुक न सिर्फ उस समय के और उस काल के चीज़ों से था, बल्कि आज के समय में भी ये पूरी तरह से प्रासंगिक है। तो इसे हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार से महिलाओं का जीवन होता है, किस प्रकार से वो अपना जीवन बिताती हैं और किस प्रकार से उनके जीवन का प्रभाव और उनके अनुभवों का असर जो है वो समाज पर होता है। तो ये बहुत ही व्यापक कविता है बहुत छोटी सी, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों के मनोमस्तिष्क पे असर डालने वाला है। तो चलिए देखते हैं जो पोयम है एंड्रिया रिच की वो क्या है। तो एंड्रिया रिच ने पोयम में लिखा हुआ है सबसे पहले, ऑन जेनिफर्स टाइगर प्रिंस अक्रॉस अ स्क्रीन। तो प्रिंस का अर्थ होता है जंप करना या कूदना जो होता है। तो ऑन जेनिफर्स के टाइगर जो हैं वो स्क्रीन के आर पार कूद रहे हैं, अर्थात एक जंप लेते हुए दिखाया गया है जो ऑन जेनिफर्स का, जो उन्होंने एक ऑन जेनिफर नाम रखा हुआ है, जो कि इस प्रकार से बताया गया है कि उसे हम सभी जानते हैं, भले उसे नहीं जानते हों तो ये बताया गया कि उन्होंने जो टाइगर बनाया हुआ है वो स्क्रीन से आर पार कूदते हैं। क्यों स्क्रीन से आर पार कूदते हैं? चूँकि वो वास्तविक टाइगर नहीं है, वो बने हुए हैं, फोटो बनाया गया जो है उस पे हैं, इसलिए वो स्क्रीन से आर पार कूद रहे हों। लेकिन यदि वो सच के शेर होते तो वो जंगल में आर पार कूद लेते। ब्राइट टोपाज डिनाइज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, अर्थात जो कि वर्ल्ड ऑफ ग्रीन है, जो जंगल है, जंगल का संसार है, उस पे एक चमकते हुए पुखराज के समान दिखाई दे रहे हैं। अर्थात इस प्रकार से उसे चित्रित किया गया है कि जो जंगल का चित्र बना हुआ है उसमें शेर का चित्र जो है बहुत ज़्यादा उभर कर दिख रहा है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, और जो लोग वहाँ पर दिख रहे हैं अर्थात मनुष्यों का भी उसमें चित्र बना हुआ है, वो उनसे नहीं डरते, मनुष्यों से। चूँकि कहा जाता है कि जो शेर है वो किसी और से नहीं डरता, बल्कि शेरों से भयभीत जो मनुष्य हैं उनसे शेर भयभीत हो सकता है, लेकिन ये जो शेर हैं वो भयभीत नहीं हो रहे हैं। द पेस इन स्लीक ज्योलिक सर्टेनिटी, अर्थात वे जो चलते हैं उनका जो चलने का तरीका है वो योद्धाओं के समान है, शांत है और बिल्कुल सोचा समझा, सर्टेनिटी अर्थात आत्मविश्वास के साथ भरा हुआ और एक स्थिर रूप से चलना। अर्थात इस प्रकार से दिखाई दे रहा है जो शेरों का चलना है, उनका कूदना है, वो किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं है, किसी भी प्रकार की चीज़ों का उन पर प्रभाव नहीं है। अर्थात जो आंट जेनिफर्स के शेर हैं, और आज के संबंध में हम समझ सकते हैं कि ऑन जेनिफर जो कि प्रतीकात्मक हैं माता पिता का, और उनके शेर जो उनके बच्चे होते हैं, उसी प्रकार से आप मान सकते हैं कि
हम अपने मन में कल्पना करते कि जो हमारे बच्चे होंगे और हमारे जो लोग हमारे साथ हैं, हम उन्हें इसी प्रकार से चित्रित करें, उन्हें इस प्रकार से बनाएं कि वो किसी भी चीज़ प्रभावित ना हो। दुनिया में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे संकट हैं, हर समय निरंतर लोगों को सामना करना पड़ता है विभिन्न कठिन परिस्थितियों से, लेकिन माता पिता जो होते हैं अपने बच्चों को या अपने शेरों को इस प्रकार बनाते हैं, बनाना चाहते हैं कि वो किसी भी चीज़ से प्रभावित ना हो। और ये प्रतीकात्मक रूप से है कि जो आंट जेनिफर्स के शेर हैं वो किसी से नहीं डरते। अर्थात आंट जेनिफर ने जो चित्र बनाया हुआ है उसमें उन्होंने शेर बनाया हुआ है और वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, पूरी तरीके से शौर्यवीर हैं और इसी कारण से वो किसी चीज़ से नहीं डरते। तो आगे इसमें दिया हुआ है, ऑन जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, जो ऑन जेनिफर है उनकी उंगलियां वो चल रही हैं उन पे, फाइंड इवन द आइवरी नीडेड हार्ड टू पुल, जबकि उन्हें पता है कि जो उन्हें खींचने में उनको बहुत बल लगाना पड़ रहा है, और जो कि आइवरी नीडल्स जो है जो कि हाथी दांत से बने हुए जो ऊन के जो सुइयां होती हैं उन्हें भी खींचना बहुत मुश्किल हो रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, क्यों भारी हो रहा है, क्यों नहीं खींच पा रही, क्योंकि जो बैंड बंधा हुआ है अंकल्स वेडिंग बैंड जो उनका शादी का जो बैंड बंधा हुआ है उसमें, उसके कारण ये बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, तो आंट जेनिफर्स के हाथ पे जो वेडिंग बैंड बंधा हुआ है उसके कारण बहुत भारी हो पा रहा है उनका हाथ, और इसी कारण वो नीडल को नहीं खींच पा रही। और इसे आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियों के आधार पर जिस प्रकार से समय होता है तो जो लोग होते हैं उनके जीवन में बहुत सारी तकलीफें होती हैं, कष्ट होते हैं, और इसी कारण वे अपने कार्यकलाप को करने में कई बार बाधाएं महसूस करते हैं। चूंकि उन्होंने शेर बनाया हुआ है और वो आगे उसे बना भी रही हैं, लेकिन वो बनाने में उन्हें तकलीफ हो रही है क्योंकि जो बैंड बंधा हुआ है, जो परेशानियां बंधी हुई हैं, जो तकलीफें उनके साथ बंधी हुई हैं, अर्थात उनके जीवन का पूरा अनुभव इसमें दिखाई दे रहा है। उनके साथ बहुत सारे जो परेशानियां होती हैं, संकट आते हैं और तकलीफ़ों से भरा जो होता है समय काल, तो ये जो तकलीफ़ें होती है उसे उन्होंने मैसिव वेट बताया हुआ है कि मैसिव वेट जो है जो कि उनके जीवन पर है किसी भी प्रकार से हो सकता है और उनको वो खींच रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे दुख और संकट होते हैं और जो हमें पीछे खींचते हैं, लेकिन कोशिश धीरे धीरे होते रहती है, तकलीफ़ों के बावजूद भी बहुत ज़्यादा हार्ड टू पुल अर्थात हार्ड होने के बावजूद भी कोशिश करके आंट जेनिफर्स बना रही हैं और किसी भी प्रकार से वो बनाना चाह रही हैं, जो शेर हैं उनके वो बनाते रहती हैं। और इस प्रकार से हम अपने जीवन में भी लगातार परिश्रम करते हैं, साथ ही साथ हम अपने साथ साथ विभिन्न संकटों का सामना करते हुए अपने बच्चों को भविष्य देने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ अपने जीवन में भी जो तकलीफें हैं उसे दूर करने का प्रयास इसी प्रकार करते रहते हैं, कोशिश निरंतर चलती रहती है। आपने यहाँ पे देखा होगा कि कितनी भी तकलीफ है वो उन्हें वूल को खींचने में परेशानी हो रही है, लेकिन वो फिर भी उसे बना रही हैं। इसमें उन्होंने कोशिश किया फ्लटरिंग थ्रू हर वूल्स, अर्थात उंगलियाँ चल रही हैं जबकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही खींचने में, उसके अलावा जो वेट है वो भी उन्हें यह कार्य नहीं करने दे रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रही है। कोशिश लगातार होनी चाहिए, कोशिश हमें नहीं छोड़ना चाहिए, और लगातार कोशिश करने के बाद जो हाथी दांत का बना हुआ जो सलाइयाँ होती है वो बहुत हल्की होती हैं, लेकिन जो काम है उनका वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कसीदाकारी करना आपने देखा होगा, कसीदाकारी करने में बहुत ज़्यादा श्रम लगता है, साथ ही साथ आपको हर लाइन को ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन वो बना रही है और उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया है। जो स्क्रीन पर उसके दीवार पर जो लगा हुआ है शेर का चित्र और उसमें जंगल का चित्र, जो कि बहुत शानदार बन पड़ा है, और शेर बिल्कुल पुखराज के समान दिखाई दे रहा है। इसका मतलब साफ है कि ऑन जेनिफर बहुत अच्छे से कसीदाकारी करती हैं और बहुत ध्यान से करती हैं, बहुत सारे संकटों के बावजूद भी अर्थात बहुत परेशानियों के बावजूद भी वो इसे कर रही हैं। आगे है, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, जब आंटी की मृत्यु हो जाएगी लेकिन उनका जो हाथ है स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डल्स सी वॉज मास्टर्ड बाई, तो जब उनकी मृत्यु हो जाएगी लेकिन उनका जो कांपता हुआ हाथ है, आतंकित हाथ है, टेरिफाइड हैंड जो है वो
घिरा रहेगा उन मुसीबतों से, परेशानियों से, फिर भी जिनकी वो मास्टर हो चुकी होंगी, अर्थात उन्होंने अनुभव ले लिया है बहुत सारा, और उन तकलीफ़ों और दुखों के बावजूद भी वो ये कार्य कर रही हैं। और माना जा रहा है कि जब उनकी मृत्यु हो जाएगी, अर्थात जब वो नहीं रहेंगी, तो भी ये मुसीबत तो रहेंगी, लेकिन द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेट विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनफेड अफ्रेड। अर्थात जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो भी उनके हाथों में मुसीबत तो रहेगी, लेकिन उनके बनाए हुए जो शेर हैं वो गर्व के साथ चलेंगे, छलांग लगाएंगे और बिना किसी से डरे इसी प्रकार काम करते रहेंगे। अर्थात आंट जेनिफर ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करके उन्होंने अपना पूरा जो कलात्मक चित्रकारी है उसे बनाया, जो उन्होंने निडल से बनाया था, वूल से बनाया था, उसे उन्होंने बना लिया। जो शॉल है और जो चित्र लगा हुआ है, उस प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं जिसमें इस प्रकार का चित्रण है। तो ये बताया गया है, पोएट ने ये कहा है कि जिंदगी भर जो उन्होंने मेहनत की, अर्थात उस चित्र को बनाने में, टाइगर्स को बनाने में, तो अब भले ही उनकी मृत्यु हो जाए, भले ही वो मुसीबतें उनके साथ अब भी रहें, लेकिन उनके जो शेर हैं वो निश्चित तौर पे कूदेंगे, घूमेंगे और साथ ही साथ बिना किसी से डरे अपनी प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिभा को दुनिया में बिखेरते रहेंगे। इसी प्रकार से आपके भी जो माता पिता हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए लगातार लगे हुए हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान दीजिए। आपने देखा होगा कि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को नहीं बताते कि क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा काम करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें ज्ञान दिलाने के लिए, और साथ साथ पूरी ज़िंदगी वो इसी प्रकार से मेहनत करते हैं। और इसलिए मेहनत करते हैं कि जो उनके टाइगर हैं, उनके जो शेर हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो अपने जीवन में हमेशा सफलता अर्जित करें, आगे बढ़ते रहें। और यही है इस पोयम का सार, जो कि है कि जो हमें समझना चाहिए कि जीवन में परिस्थितियां कैसे भी आएं, हमें जो शेर हैं उनकी तरह जीना चाहिए, उनकी तरह काम करना चाहिए, परिस्थितियों से नहीं घबराना चाहिए। भले ही परिस्थितियों के कारण हम अपने कार्य को कलाप को करने में धीरे हो जाएं, भले ही बहुत तेज़ी से हम कार्य ना कर पाएं, लेकिन हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, और निरंतर प्रयास करने से हम उस स्थान को हासिल कर पाएंगे जो कि हमें करना चाहिए। हमारे लिए वो जो स्थान बना हुआ है, जो हमारे माता पिता सोचते हैं, जो हमारे बड़े लोग सोचते हैं, उसे हमें करना चाहिए। और ये है इस पोयम का सार कि हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, भले ही लोगों को डर लगता रहे, हमारे साथ के लोगों को डर लगता रहे, लेकिन निरंतर प्रयास होता रहता है तभी सफलता अर्जित की जा सकती है। तो ज़रूर इस पोयम को अच्छे से पढ़िए और इसको अच्छे से समझिए कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसमें बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, टेरिफाइड अर्थात आतंकित, रिंग डाने जो घिरी हुई, ऑर्डिल्स जो है कठोर अनुभव हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डिल्स के बारे में दिया है, स्टील रिंग विथ ऑर्डिल्स सी वॉज मास्टर्ड बाई, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कठिन परिस्थितियां हैं, कठोर अनुभव हैं, कड़ू अनुभव कहना चाहिए इसे, जिससे वो घिरी हुई है उनकी उंगलियां या उनका शरीर जो घिरा हुआ है, लेकिन सी वॉज मास्टर्ड बाई, और जिनके कारण वो मास्टर्ड बनी है। अर्थात आपने सुना होगा कि जो कठिन परिस्थितियां होती है वो हमें बनाती हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, इस प्रकार की आपने बातें सुनी होंगी। साथ ही आपने सुना होगा कि आग में तपकर ही सोना चमकता है, अर्थात मास्टर्ड तभी बनता है आदमी जब वो कठिन परिस्थितियों से गुजरे, कठिन स्थानों को देखे, और तभी वो आगे बढ़ पाता है। तो इसमें दिया गया है और मास्टर्ड बाई अर्थात अधीन उन्होंने कर लिया है, चूँकि आंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, उनके हाथ भी नहीं चल रहे थे, वो बोझ से दबी हुई थी, लेकिन उन्होंने प्रयास किया और सी वॉज मास्टर्ड बाई, मास्टर्ड वो बन गई, जिस प्रकार से आप भी पढ़ाई लिखाई करते हैं और चीज़ें समझते हैं जिससे आप मास्टर्ड बन सकते हैं, अर्थात ज्ञानी बन सकते हैं, और इसके द्वारा आप सभी परिस्थितियों को अपने बस में कर सकते हैं, और तब निश्चित तौर पे आप भी शेर के समान कूदेंगे, चलेंगे और किसी से नहीं डरेंगे, ना ही परीक्षा से भी डरेंगे। और निश्चित तौर पे परीक्षा में इसके सवाल आते हैं जिसके लिए आपको मास्टर्ड बनना पड़ेगा, तो इसके सवालों को ज़रूर देखिए। सवाल जो हैं, हाउ डू डिमनाइस एंड चेरविक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड, तो आपने निश्चित समझ लिया है कि डेनिस जो है निवासी है और वीरता जो है चेरविक शब्द हैं, इनका प्रयोग
बाघों के व्यवहार के प्रति हमारी समझ को कैसे बढ़ाता है। तो जो शेर होते हैं वो किसी से नहीं डरते, वे खास स्थान के निवासी होते हैं अर्थात जंगल के निवासी होते हैं, और वैभव और सूरवीर तरीके से चलते हैं। और जो ये लोग हैं, ये शेर जो हैं, वो इसमें पोएम में जो बताया गया है कि वो किसी से नहीं डरते, जो टाइगर का एटीट्यूड होता है कि वो किसी से नहीं डरता, तो इसी चीज़ को बताया गया है। डेनिश मीन्स डेलर्स दैट डू नॉट फाइंड अ पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर प्लेस मीन्स ओके नाउ द सेकंड है व्हाई डू यू थिंक ऑन जेनिफर्स हैंड आर फ्लटरिंग थ्रू द हर वूल इन द सेकंड नाजा व्हाई इज द फाइंडिंग द नेडल सो हार्ड टू पुल। अर्थात जो आंटी हैं उनको क्यों तकलीफ हो रही थी, उनको खींचने में क्यों उनके हाथ कांप रहे थे, जो स्कंद सनातन बताया गया है, साथ ही साथ उन्हें ये खींचने में तकलीफ क्यों हो रही। तो इसमें हमने देखा कि जो आंट जेनिफर है उनके हाथ इसलिए कांप रहे थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कठोर अनुभव प्राप्त किए थे, ज़िंदगी में उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया हुआ था और इन प्रयासों के कारण उन्हें बहुत सारी परेशानियाँ होती, साथ ही साथ उनको खींचने में जो निडल है उसे परेशानी इसलिए हो रही थी कि उनका हाथ जो है वो उनका बैंड बंधा हुआ था, जिसके कारण अंकल स्वेंडिंग बैंड जो था वो उन्हें खींच रहा था और इस कारण उन्हें तकलीफ हो रही थी खींचने में। व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल स्वेंडिंग बैंड। जो वेडिंग बैंड के बारे में बताया गया है कि वैवाहिक जीवन का मैसिव वेट ऑफ अंकल स्वेंडिंग बैंड जो था वो क्या था, किस प्रकार से इसे बताया गया है कि किस प्रकार से व्यक्त किया है। तो जो व्यक्त किया गया है वो आंट जेनिफर जो है अपने वैवाहिक जीवन की तकलीफों से बहुत ज़्यादा, अर्थात जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया था उससे, जिम्मेदारियों से काफ़ी दब गई थी और बिना आज़ादी के जी रही थी। शी इज़ लिविंग विदाउट फ्रीडम एट ऑल। तो वो भी कल्पना करती थी कि फ्रीडम किस प्रकार से होता है और इसी कारण से ये दिखाई दे रहा था। उनका जो वेडिंग बैंड है बहुत भारी हो गया था, बैंड भारी नहीं था ये माना जा सकता है, जो जिम्मेदारियाँ थी वो एक प्रतीकात्मक रूप में बताया गया है, मैसिव वेट जो है वो थी। ऑफ वाट और हुम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड विद द थर्ड स्नाजा। थर्ड स्नाजा में किससे वो डर रही थी, किससे भयभीत थी। तो आंट जेनिफर जो थी वो जिम्मेदारियों से भयभीत थी जो उन्होंने प्राप्त किया था अपने जीवन में आफ्टर मैरिज, और उनके दुख जो हैं वो उनके दिमाग पे ताजा थे। इसके अलावा थर्ड स्नाजा में जो बताया गया है टेरिफाइड ऑफ द बैंड और डील दैट सी हैज़ गॉट इट मैरिड लाइफ, सी हैज़ गॉट द ओल्ड अनहैप्पी मेमोरीज विच वॉज स्टिल फ्रेश इन हर माइंड। अगला सवाल जो है वाट आर द ऑर्डल्स विथ आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाई विच इज द सिग्निफिकेंस दैट द पोएट यूसेस द वर्ड रिंग्ड। वाट आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिंग्ड इन द पोयम। रिंग्ड वर्ड का मतलब क्या है और किन कठिन परिस्थितियों से वो घिरी हुई थी, रिंग शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। चूँकि रिंग्ड अर्थात चारों तरफ घिरा रहना, लोगों के जीवन में बहुत सारी तकलीफें होती है, दुख होती है जो उन्हें घेर कर रखती है और लगातार उनके साथ चलती है। चूँकि हाथ का प्रतीक किया गया है, हाथ रिंग्ड है, तो जो बैंड है वो रिंग था और इसे दिखाया गया था कि रिंग्ड होने के कारण अर्थात जो बैंड है वो एक तरह का बंधन है जो कि उसे जो आंट जेनिफर है चारों तरफ से घेर के रखी हैं और उनके जीवन को प्रभावित कर रही हैं। What do you think on Jennifer's created animals that are so different from her own character? What might the poet be suggesting through this difference? जो on Jennifer है उन्होंने ऐसा चित्र क्यों बनाया है जो उनसे मेल नहीं खाता, उनकी कैरेक्टर से मेल नहीं खाता, और ये अंतर क्यों बताया गया है। तो आपने अभी देखा कि किस प्रकार से चरित्र से भिन्न है, लेकिन उन्होंने शेर बनाया है, उनके मन में कल्पना है, वह चाहती थी कि वो आज़ादी से घूमे, और साथ ही साथ जो शेर है वो निडरता का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है, तो उन्होंने इसे बनाया हुआ था। इसके साथ साथ छलांग जो है वो ये प्रतीक दिखाता है कि वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, और जो कटु अनुभव इत्यादि उनके जीवन में हैं वो उनसे हटकर, साथ ही साथ उनकी उम्र भी बहुत अधिक हो गई है तो उनको शौर्य भी चाहिए। तो शेर जो है प्रतीकात्मक रूप में जो जानवर है वो बहुत हद तक उनको सूट कर रहा था और इसलिए उन्होंने बनाया था। इंटरप्रेट द सिंबल्स फाउंड इन दिस पोयम। जो प्रतीक हैं चिन्ह के वो उनको इंटरप्रेट करिए। तो इंटरप्रेट जो है सबसे पहले तो शेर है, शेर जो है वो प्रतीक है शौर्य का, बहादुरी का, साथ ही साथ जो जीवन का बंधन और बोझ है उनके लिए उन्होंने शो किया हुआ है। जो मैरिज बैंड है जो बंधा हुआ है, अंकल्स जो रिंग है वो बंधा हुआ है, उसे प्रतीक रूप में दिखाया गया है। साथ ही साथ टेरिफाइड हैंड जो बताया गया है वो परीक्षा से घिरा हुआ, तकलीफ़ों से घिरा हुआ हाथ, इस प्रकार से
बहुत सारे चीज़ें हैं, तो उसमें आपने अभी देखा होगा कोई टाइगर है, वेडिंग बैंड है, और साथ ही साथ टेरिफाइड बैंड है और रिंग्ड है, इन चीज़ों को सिंबल के रूप में दिखाया गया है। डू यू सिंपथाइज विथ ऑन्ट जेनिफर्स, व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड ऑन्ट जेनिफर, क्या आप आंट जेनिफर से सहानुभूति रखते हैं और किस प्रकार का एटीट्यूड है स्पीकर का आंट जेनिफर के प्रति? तो आंट जेनिफर के प्रति हमें निश्चित तौर पे सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि आंट जेनिफर ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सही हुई हैं, साथ ही साथ जीवन भर का अनुभव है और अब भी वो संघर्ष कर ही रही हैं, उम्र हो गई है लेकिन अभी भी वो सहानुभूति की पात्र हैं, स्नेह की पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से अपने जीवन का निर्वहन किया हुआ है और साथ ही अब भी वो अपने तरफ से प्रयास कर रही हैं। जो पोएट हैं उन्होंने भी इस प्रकार से चित्रित किया हुआ है कि जो आंट जेनिफर के संघर्ष हैं, उनकी जो मुख्य तौर पे परेशानियां हैं उसके बावजूद उन्होंने बहुत सारा काम किया है, शेर वो बरा रही है और लोगों को ये बताने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो चित्र होते हैं वो लोगों को बहुत सारी बातें बिना कहे बता देते हैं। तो आंट जेनिफर ने प्रयास किया है कि उनके चित्रों को देख के लोगों को प्रेरणा मिले, लोग आगे बढ़ने की प्रेरणा ले। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भले ही बहुत सारे दुख हों लेकिन उन दुखों का प्रभाव, उन तकलीफ़ों का प्रभाव हमारे कार्यकलाप पर नहीं होना चाहिए, हमें अपने कार्यकलाप को निरंतर करते रहना चाहिए और यही चीज़ आंट जेनिफर भी कर रही थी। आंट जेनिफर का प्रयास ये था कि भले ही उनके जीवन में परेशानियाँ हों, दुख हो, लेकिन वो इन चीज़ों का छाप अपने कार्यकलाप पे नहीं पड़ने देना चाहती थी। जो आम आदमी होता है, जो दूसरा आदमी होता है, वो ये नहीं समझ सकता था कि आंट जेनिफर को किस प्रकार की तकलीफ होगी, किस प्रकार से वो जीवन जी रही है, लेकिन उन्होंने शेर का चित्रण किया और इस प्रकार से समाज को और लोगों को एक तरह से संदेश देने की कोशिश की। तो हमें इसी प्रकार से जीवन जीना चाहिए, किसी से नहीं डरना चाहिए और अपने जीवन काल में एक पुखराज की तरह, जो टोपाज जो चिन्ह बना हुआ है उसके समान चमकना चाहिए कि लोग दूर से हमें पहचान सके कि हम कौन हैं, क्या हैं, किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं। तो ये था जो पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर जो आज हम देख रहे थे, बहुत अच्छी सीख इसमें दी गई है, इसे अच्छे से देखिए। पोएम छोटी सी है लेकिन अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को संजो के रखी हुई है। साथ ही साथ साथियों आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को भी लाइक अवश्य करिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए जिसका बटन इस लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, सब्सक्राइब बटन बना हुआ है। साथ ही साथ हमने डिस्क्रिप्शन पे भी सब्सक्राइब के लिए लिंक रखा हुआ है जिस पे क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और हम आपके लिए इसी प्रकार से आपकी जानकारियों की भरी हुई वीडियो लेकर आते रहेंगे। बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे हैं, लगभग 3000 वीडियो हैं, ज़रूर उन्हें देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अलर्ट्स को ऑन कर दीजिए, जो बेल आइकन बना हुआ है उसे क्लिक करेंगे जब भी हमारे वीडियो और अपडेट्स आएंगे आपको मिलते रहेंगे। साथियों वीडियो को अवश्य लाइक करिए, कमेंट जरूर दीजिए और शेयर जरूर करिए आपके साथियों मित्रों के साथ, जिससे वो भी इसे देख सकें, चैनल को जान सकें। चैनल का लिंक भी आपके सामने दिख रहा होगा, youtube.com/user/pcv135। तो मैं PC वर्मा आपसे विदा लेता हूँ, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। तो आज के लिए इतना है साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।